इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच दोस्तों खेले जाने वाला है आज। और अगर आप लोग आज के इस मैच पे मेगा ग्रैंड लीग की 6 डिफरेंशियल टीम बनाना चाहते हो ना दोस्तों, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आ गए हो। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ लॉजिक्स, जिन लॉजिक्स को इस्तेमाल कर आप लोग अपने लिए मेगा ग्रैंड लीग की 6 डिफरेंशियल टीम बना सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को हर लॉजिक के साथ टीम भी यहां पर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन हो सकते हैं आज के इस मैच पे, ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो पे आप सभी लोगों के लिए एक 50,000 रुपीज का कैश अवार्ड है, जिसे आप लोग इजीली विन कर सकते हो वीडियो के दौरान पूछे गए एक सिंपल से क्वेश्चंस का जवाब देके। बाकी दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? तो सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इन टीम्स पे कुछ भी अगर चेंज आता है, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 पे चेंजेस आते हैं तो टीम पे चेंजेस आ जाएंगे। और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे मैं करूंगा एंड टाइम पे पिच रिपोर्ट के बाद, वो आप लोगों को सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने वाला हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, उसे भी पक्का से ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाले हैं। देखो प्लेइंग 11 पे चेंजेस होने के चांसेस कम है। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो ईशान किशन और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट राउंड पोजीशन पे राहुल त्रिपाठी, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांडे, फिर वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। दीपक हुड्डा वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद शिवम मावी, कुलदीप यादव, अर्षदीप सिंह और उमरान मलिक खेलते हुए दिखेंगे। वहीं न्यूजीलैंड टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 को देखोगे तो डिवॉन कॉनवे और फिन एलन आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट राउंड पोजीशन में चैपमैन आता है, फिर ग्लैन फिलिप्स आते हैं, फिर डारी मिशेल्स आते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन से ब्रेसवेल और सैंटनर दिखेंगे। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को इशोडी, जैकब डफी, लॉकी फर्गुसन और ब्लेयर टिकनर दिखते हैं। अब दोस्तों ये जो मैच होने वाला है, ये मैच खेले जाने वाला है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकलना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। और रिसेंटली यहां पर जो मैच खेला गया था, उस मैच को अगर आप लोग देखोगे तो फरवरी 2022 में यहां पर मैच खेला गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया ने 199 रन बनाए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे, और श्रीलंका की टीम 137 रन तक ही पहुंच पाई थी, ठीक है? तो एक हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। देखो दो वेन्यू के बारे में ना कुछ ज्यादा बताया नहीं जा सकता है, ठीक है? इसीलिए मैंने क्या करा है ना, मैंने जो टीम बनाई है ना यहां पर, आप लोगों को हर लॉजिक के हिसाब से वो टीम फिट बैठती हुई दिखेगी। हम लोगों ने यहां पर इंडिया टीम को डोमिनेट किया है, हम लोगों ने यहां पर न्यूजीलैंड टीम को डोमिनेट किया है, हम लोगों ने टीम 3 पे स्पिनर को डोमिनेट करा है, टीम 4 पे हम लोगों ने पेसर को डोमिनेट किया है, टीम 5 और टीम 6 बैलेंस टीम है जिसपे अगर दोनों टीम इक्वली परफॉर्म करती है तो वो टीम अच्छा करेगी। क्लियर है डाउट सारे? चलिए अब एक एक करके इन टीम्स को देख लेते हैं और क्या लॉजिक है, कैसे आप लोगों ने टीम बनाना है, उस बात को भी देख लीजिए। ओके दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखोगे टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2, ये दोनों टीम लगी हुई है कट द टीम लॉजिक पे। कट द टीम लॉजिक क्या होता है दोस्तों, ऐसा है कि न्यूजीलैंड की टीम बॉलिंग करने आती है, ठीक है, यहां देखो, और इंडियन टीम पूरी कोलैप्स हो जाती है सपोज करो, और न्यूजीलैंड के दो जो ओपनर्स है ना यही मैच को विन करा देते हैं, समझ रहे हो ना? तो इंडियन टीम के तो किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिला होगा, तो मैंने क्या करा, न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स रख लिए। क्यों? क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम ने इंडियन टीम को सपोज करो 130 रन पे ऑल आउट कर दिया, इंडियन टीम ऑल आउट हो गई, इसका मतलब न्यूजीलैंड के हर बॉलर को विकेट मिला होगा। क्लियर? अब न्यूजीलैंड के हर बॉलर को विकेट मिला होगा तो मेरे पास न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स आ गए, और उसके बाद जो रन चेस स्टार्ट हुआ होगा ना उसमें क्या होगा, न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर ने, मतलब न्यूजीलैंड ने 131 बना दिया 0 विकेट के नुकसान पे, मतलब टॉप ऑर्डर ने ही यहां पर आप लोगों को जिता दिया। तो न्यूजीलैंड की टीम से मुझे उस केस पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर चाहिए होंगे, वो 7 प्लेयर रख दिए। और इंडियन टीम से मैंने ईशान किशन को रखा है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांडे और वॉशिंगटन सुंदर को रखा है। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर जाता है तो यहां पर कैप्टन किसे रखोगे? देखो
डिवॉन कॉनवे और फिन एलन की अगर मैं बात करूं और ये दोनों मिलकर अगर मैच को जिता देते हैं ना, तो फिन एलन काफी फास्ट खेलता है, तो मैं इसे कैप्टन रखूंगा, क्लियर, क्योंकि वो डिवॉन कॉनवे से मुझे ज्यादा पॉइंट देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, वाइस कैप्टन किसे रखूंगा, देखो क्योंकि बॉलिंग वाले सेक्शन ने इंडियन टीम को कोलैप्स किया है और इंडियन टीम के सारे विकेट्स गिरे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा वाइस कैप्टन इन बॉलर्स में से निकल कर आएगा, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये उस लॉजिक पे गया कि टीम इंडिया कोलैप्स हुई और न्यूजीलैंड की टीम ने आकर पूरे रन को चेस कर दिया बिना विकेट के नुकसान पे। सेकेंड टीम देखोगे तो ये बिल्कुल अपोजिट है, न्यूजीलैंड की टीम कोलैप्स हो गई, क्लियर, और इंडियन टीम ने बिना विकेट गिरे इस रन को चेस कर लिया, तो क्या हो गया, इंडियन टीम के दो ओपनर आ गए मेरे पास, ठीक है, और इंडियन सारे बॉलर्स आ गए मेरे पास, देखो सारे बॉलर्स आ गए इंडियन टीम के, क्लियर। तो इस केस में मेरे पास इंडियन टीम से 8 प्लेयर हो गए, दो ओपनर्स हो गए और सारे बॉलर्स हो गए, बाकी न्यूजीलैंड की टीम से मैंने डिवॉन कॉनवे, सैंटनर और ब्रेसवेल को रखा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसका अपोजिट केस है। इस केस में मैं कैप्टन किसे रखूंगा, इस केस में दोस्तों मेरा कैप्टन जाएगा ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन फास्ट खेलता है, वो ज्यादा स्कोर करेगा शुभमन गिल के मुकाबले में, और मेरा वाइस कैप्टन बॉलिंग वाले सेक्शन से निकल कर आएगा कोई, क्लियर, यहां से मेरा वीसी निकल कर आएगा, क्लियर। टीम नंबर वन और टीम नंबर टू, लॉजिक क्लियर है, ओके। अब देख लेते हैं टीम नंबर थ्री और टीम नंबर फोर को, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो तुरंत जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को माई 11 सर्कल ऐप का लिंक मिलने वाला है। दोस्तों यहां पर देखो क्यों इस ऐप को डाउनलोड करना है, उस बात को समझो जरा। यहां पर देख रहे हो सिर्फ 6,20,000 स्पॉट है, सिर्फ 6,20,000 स्पॉट है, ध्यान से सुनो, बाकी ऐप पे कितने स्पॉट होते हैं, 1-1 करोड़ स्पॉट होते हैं। तो 6,00,000 स्पॉट पे अगर आप लोग यहां पर रैंक वन आ जाते हो ना दोस्तों, तो आप लोगों को एसयूवी कार और 10,00,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलने वाला है, मतलब मोटा मोटा मान लो 25,00,000 रुपए मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। और जबकि वहां पर क्या है, फर्स्ट प्राइस चलो ज्यादा है बट सेकंड प्राइस तो सेम ही आ जाता है, तो 1 करोड़ के कॉम्पिटिशन से अच्छा अगर लो कॉम्पिटिशन ऐप पर खेलोगे ना, जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देख लो 6,00,000 में से विनर्स देख लो कितने, 4,00,000 विनर्स, समझ रहे हो ना, तो कंपटीशन बहुत कम है, आप लोगों का पैसा सेफ रहेगा दोस्तों, और मेगा ग्रैंड लीग भी आप लोग यहां पर विन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे इस ऐप का लिंक है, और अगर आप लोग लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो एक और कॉन्टेस्ट दिखेगा जिसपे कि सिर्फ कॉम्पिटिशन कितने के बीच में, 1,00,000 लोगों के बीच में है, यहां पर iPhone 14 प्रो और 2,00,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलता है, ठीक है। कोड यूज करना है उस टाइम पे, क्या कोड यूज करना है बताता हूं, देखो यहां पर कोड यूज करना है क्रिक 20, ठीक है, इस कोड को यूज करोगे ना 20% रियल एक्स्ट्रा, रियल है रियल, ठीक है, रियल, बोनस वोनस कुछ नहीं है, ये रियल है। इसका मतलब 10,000 अगर डालते हो तो कितने मिलते हैं, 12,000 मिलते हैं। कोड कौन सा यूज करना है, क्रिक 20, क्लियर। चलिए तो होपफुली आप सभी लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तुरंत जाओ और ऐप को पक्का से डाउनलोड करो। टीम नंबर थ्री और फोर को देखो, टीम नंबर थ्री और फोर को देखोगे ना तो टीम नंबर थ्री पे मैंने क्या दिया है, मैंने एडवांटेज दिया है स्पिनर सेक्शन को, क्लियर। इसका मतलब मेरा यहां पर मानना है कि स्पिनर इस मैच में अच्छा करेंगे तो ब्रेसवेल, सेंटनर और सोडी आ गए, और इंडियन टीम से वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव आ गए, सिर्फ स्पिनर को लिया, सिर्फ स्पिनर ही अच्छा करने वाले हैं सपोज करो मैच। और बाकी अगर देखोगे यहां पर डिवॉन कॉनवे, ईशान किशन है, यहां पर सूर्य कुमार यादव के साथ शुभमन गिल है, और यहां पर चैंपमैन और ग्लेन फिलिप्स है मेरे पास, क्लियर, ओके। वहीं अगर आप लोग टीम नंबर फोर को देखोगे तो यहां पर पेसर को एडवांटेज लेकर चलते हैं, तो यहां पर देखो मेरे पास जैकॉब डफी और लॉकी फर्गुसन है, और इंडियन टीम से हार्दिक पांडे, शिवम मावी और अर्शदीप सिंह है। आप लोग चाहो तो शिवम मावी के बदले यहां पर उमरान मलिक को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा टीम बनाता है तो यहां पर उमरान मलिक को भी ट्राई किया जा सकता है। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन पे देखोगे तो यहां पर मेरे पास डिवॉन कॉनवे, चैंपमैन ग्लेन फिलिप्स है, यहां पर आप लोग ईशान किशन है, शुभमन गिल है और सूर्य कुमार यादव है, क्लियर। दोनों टीम, टीम नंबर थ्री और टीम नंबर फोर।
अब देख लो दोस्तों टीम नंबर 5 और टीम नंबर 6 पे क्या है। देखो टीम नंबर 5 को अगर आप लोग देखोगे तो टीम नंबर 5 पे मैंने क्या किया है, अब टीम को बैलेंस करना स्टार्ट किया है और हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को ड्रॉप करा है और स्टार्टिंग पे ओपनिंग प्लेयर में से भी एक ओपनर्स को मैंने ड्रॉप करा है। यहां देखो मेरे पास डिवॉन कॉनवे है, मेरे पास यहां से ईशान किशन नहीं है और मेरे पास शुभमन गिल है, जबकि इस टीम पे देखोगे मेरे पास यहां पर ईशान किशन है और मेरे पास डिवॉन कॉनवे नहीं है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ईशान किशन है तो शुभमन गिल नहीं है, क्लियर। इसमें मैंने न्यूजीलैंड के वैसे दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर दिया है। यहां पर देखोगे तो डैरी मिशेल है मेरे पास, राहुल त्रिपाठी है, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे हार्दिक पांड्या और ब्रेसवेल है। अच्छा यहाँ पे ब्रेसवेल के बदले सेंटनर को भी ट्राई करना जो ज्यादा टीम बनाएंगे, बाकी लोगी फर्गुसन, ब्लेयर टिकनर, अर्षदीप सिंह और कुलदीप यादव है। इस वाले टीम पे देखोगे तो ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल का सब्स्टिट्यूट सेंटनर को भी ट्राई करना है, सभी लोगों ने इस बात को ध्यान रखना। बाकी हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, इश शोडी, कुलदीप यादव, लोकी फर्गुसन और अर्षदीप सिंह है, क्लियर। यहां पर लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे हमारे पास राहुल त्रिपाठी गेम चेंजर प्ले कर सकता है, इसीलिए राहुल त्रिपाठी को ही मैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चलने वाला हूं इस पर्टिकुलर टीम पे। और यहां का मेरा जो गेम चेंजर बन सकता है, यहां भी मैं राहुल त्रिपाठी को एज ए गेम चेंजर लूंगा, मतलब उसे वीसी ले सकता हूं, क्लियर। तो ये 6 टीम है और जो मैंने आप लोगों को बताया है चेंजेस, अगर उन चेंजेस के साथ आप लोग जाओगे तो 10 टीम बन जाएंगी, क्लियर। तो ये थोड़ी सी रिस्की टीम है, आप सभी लोगों को बता देता हूं। तो अगर आप लोग रिस्क टेकर हो और अगर आप लोग खेलते हो आरिया पार वाला गेम, तो ये 6 टीम आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आज के इस मैच में, क्लियर। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने रिस्क को समझने के बाद ही आप लोगों ने अपने टीम को लगाना है, ठीक है, मेरे कहने या किसी और के कहने से आप लोगों ने टीम नहीं बनाना है। टीम का लॉजिक आप लोगों को मैंने बता दिया, किस लॉजिक के साथ मैंने टीम को बनाया है, आप लोग भी सेम लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप, जिस ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर लो और आज के गिव अवे का क्वेश्चन भी सुन लो। आज के गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है आज के इस मैच पे हार्दिक पांडे कितने रन बनाएगा और उसके बॉलिंग का फिगर क्या रहेगा, क्लियर। मतलब अगर आप लोगों को लगता है हार्दिक पांडे 20 रन बनाएगा तो 20 रन प्लस बॉलिंग का फिगर 3 विकेट 40 रन देकर, तो ऐसे लिख देना आप लोग, क्लियर। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसे भी आप सभी लोगों ने ज्वाइन करना है, सभी लोगों ने ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप को और कमेंट भी करना है गिव अवे के लिए, ठीक है, तो सभी लोग पक्का से पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदित लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, तो सभी लोगों ने कैसे खेलना है, जिम्मेदारी से खेलना है। धन्यवाद दोस्तों।